आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। एक बार उन्होंने पाकिस्तान के पापों को एक कविता में पिरोया था। उसी कविता के कुछ पंक्तियों के साथ आज हम अपनी बात शुरू करना चाहते हैं। अटल जी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए लिखा था कि धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो, हमलों से, अत्याचारों से, संघारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो, जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अनगिनत जीवन यौवन अशेष। ये अटल वाणी पाकिस्तान पर, आज उनकी जयंती है। देखिए, ऐसे ही अनगिनत जवान मुस्कुराते हुए सरहद पर शहादत दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बात शायद समझ में आ नहीं रही। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी हमले में हमारे चार जवान शहीद हुए, हमारे चार जवानों की शहादत हुई है, और इस शहादत के बाद देश भर में गुस्सा है। वो आतंकवादियों से इस हमले का बदला चाहते हैं, इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की मांग हो रही है। आप लोगों के विरोध प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, जम्मू में विरोध प्रदर्शन, आतंक के खिलाफ आक्रोश, लोग कह रहे हैं कि अब आंसू नहीं, अब आक्रोश चाहिए, इस हमले का बदला चाहिए। जम्मू के अलग अलग शहरों में इसी तरह विरोध प्रदर्शन हुए, इससे जुड़े और क्या क्या अपडेट हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ऐसे आपको बता दें, आज सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, वो हालात का जायजा लेने के लिए खुद उस जगह पर पहुंचे जहां 21 दिसंबर को आतंकवादियों ने सेना के जवानों पर कायराना हमला किया, हमारे चार जवान शहीद हुए, चार जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा आतंकवादियों के हमले में हमारे जो चार जवान शहीद हुए हैं उनमें उत्तराखंड के चमोली के नायक बीरेंद्र सिंह हैं, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से राइफलमैन गौतम कुमार हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश से नायक करण कुमार और बिहार के नवादा से राइफलमैन चंदन कुमार हैं। इन चार ने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है। इस वक्त भी आपको बता दें, इस समय जो जानकारी है, अभी हमने अपने रिपोर्टर से बात की है, वो हमको बता रहे हैं कि इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आतंकवादियों की तलाश की जा रही है, वो किसी बिल में छिपे हो सकते हैं, लेकिन सेना बदला जरूर लेगी, आप ये जानते हैं। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है, पूरे इलाके को QRT पैरा कमांडो के साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप स्पेशल फोर्स CRPF भी इस ऑपरेशन में शामिल है। जनरल मनोज पांडे ने आज ग्राउंड पर जाकर आर्मी कमांडर से बात की, उन्हें प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन चलाने का मंत्र दिया जनरल पांडे ने। ऐसा आपको बता दें, जिस जगह पर आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर घात लगाकर हमला किया ना, वो आपके लिए जानना जरूरी है, वो किस तरह का इलाका, ये मैप के जरिए समझिए, उसे कहा जाता है डेरा की गली बफलियाज मार्ग। डेरा की गली बफलियाज मार्ग, ये डेरा की गली का आधा हिस्सा राजौरी जिले में पड़ता है, ये देखिए मैप के जरिए, जबकि आगे का बफलियाज क्षेत्र पुंछ जिले में आता है। डेरा की गली से बफलियाज तक ये जो 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, ये डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, ये 12 किलोमीटर का स्ट्रेच, और इसी जंगल के रास्ते में आतंकवादियों ने जवानों की गाड़ी पर हमला किया था। इस हमले की जिम्मेदारी PAFF पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकवादी संगठन ने, इस आतंकवादी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली है, जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक प्रॉक्सी आउटफिट है। इसी साल जनवरी के महीने में भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया था। इस आतंकवादी संगठन का नाम पहली बार उस समय चर्चा में आया जब अगस्त 2019 में, याद करिए, जम्मू कश्मीर धारा 370 खत्म की गई थी ना, धारा 370 हटा दी गई थी, तब यह आतंकवादी संगठन पहली बार चर्चा में आया था। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान पुंछ राजौरी में एक बार फिर आतंक को जिंदा करने की कोशिश में जुटा है। आतंकवादियों की धरपकड़, आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन,
और कश्मीर में शांति बहाली से बौखलाए आतंकवादियों ने सेना पर हमला किया। इन क्षेत्रों में करीब 25 से 30 पाकिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हैं, जो जंगलों में छिपे हुए हैं। वहीं पर इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। मौका मिलने पर सुरक्षा बलों को ये लोग निशाना बनाते हैं आतंकवादी। ये आतंकवादी TRF यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हैं। इनके 75 से लेकर 100 स्थानीय समर्थक भी हैं, जो जम्मू के पुंछ, राजौरी, रियासी, कश्मीर के कुलगाम, शोपियन और अनंतनाग जिलों में सक्रिय हैं। लोकल सपोर्ट। बड़ी बात यह कि आतंकवादियों ने जिस हथियार से इस हमले को अंजाम दिया वो अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल। इसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ वाहनों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे निकली स्टील बुलेट सेना के वाहनों की मोटी लोहे की चादर को पार करते हुए जवानों को लगी है। ये वो तस्वीर जब अटैक किया गया था। मतलब आप सोचिए, अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल जो पाकिस्तानी सेना के पास है, जो राइफल अमेरिका ने पाकिस्तान की सेना को दी है, वो इन आतंकवादियों के हाथ में कैसे पहुंच गई? ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। मतलब मोटी जो चादर एक तरीके से लोहे की गाड़ी पर बुलेट प्रूफ, उसको चीरते हुए, मतलब अब आपको जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश दिखाते हैं, जिसको आज सुरक्षा बलों ने, ये देखिए आप, नाकाम कर दिया। आज जम्मू के अखनूर में खोड़ इलाके से सर्च ऑपरेशन के दौरान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को ड्रोन से गिराया गया एक पैकेट मिला। ड्रोन से गिराया गया भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद के साथ कुछ रुपये भी उसमें थे। इस इलाके में 2 दिनों पहले सुरक्षा बलों ने सीमा पार से घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये आज भारी मात्रा में मौत का असला, कैश और ये सारा देखिए, गन्स, तमाम ग्रेनेड, अटैक IED, भारी मात्रा में हथियार, 6 IED रिकवर किया गया। ये देखिए आप, मतलब ये एक और आतंकवादी हमले का प्लान रेडी था, जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। देखिए, आज जब पूरा देश, आप सभी जानते हैं, जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है ना, बिहार की नीतीश सरकार जवानों के परिवार वालों के साथ क्या व्यवहार कर रही है, क्या कर रही है, वो हम नहीं बताएंगे, वो परिवार वाले खुद आपको बताएंगे, वो आज आपको हम दिखाएंगे। पुंछ हमले में शहीद राइफलमैन चंदन कुमार बिहार के नवादा के रहने वाले हैं। उनके परिवार वालों का आरोप है कि उनके बेटों को शहीद हुए 4 दिन बीत गए हैं, 4 दिन, लेकिन उनके परिवार का हालचाल लेने तक बिहार सरकार की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। सुनिए आप खुद। वैसे आप देखिए, जब उत्तराखंड के 2 शहीद जवानों को आखिरी विदाई दी गई तो उसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, परिजनों को ढांढस बंधाया। यही नहीं, ये भी आपको जानना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कानपुर के शहीद जवान करण कुमार को श्रद्धांजलि दी। ये पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर, योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी। शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी और जनपद की 1 सड़क का नाम शहीद के नाम पर करने की घोषणा की गई। यूपी और उत्तराखंड के शहीदों के परिवार वालों को अपने अपने प्रदेश की सरकार से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बिहार में शहीद का परिवार प्रदेश सरकार के खिलाफ खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। इससे शहीदों के प्रति बिहार सरकार की संवेदनहीनता का भी शायद कहीं ना कहीं पता चलता है। वैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए जो जवान शहीद हुए हैं, उनमें से 2 उत्तराखंड, 1 उत्तर प्रदेश और 1 बिहार से हैं। देश की रक्षा की बात जब आती है तो भारतीय सेना का हर जवान, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से से हो, दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। लेकिन भारत मां पर आंच नहीं आने देता। लेकिन अब वहां पर किस तरह से आतंकवादियों की धरपकड़ हो रही है और पाकिस्तान की कैसे सांसें बढ़ी हुई है, वो रिपोर्ट देखिए आप। बलिदान का सबसे बड़ा बदला मांग रहा हर हिंदुस्तानी। आतंक की भारी कीमत चुकाएगा आतंकिस्तान।
जब तक आतंकियों का सर्वनाश नहीं होगा तब तक ये आंसू सूखने वाले नहीं है। देश की आंखें नम है लेकिन दिल में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। अपने वीर सपूतों की शहादत पर आज पूरे देश की आंखें नम है लेकिन दिल में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। अपने वीर सपूतों की शहादत पर आज हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, ओवरग्राउंड वर्कर तो हैं काम करने वाले, ओवरग्राउंड पॉलिटिशियन भी है। चार वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, शहीदों के परिवारों को अपने लाडले पर गर्व है लेकिन जिन आतंकियों की गोली ने इन जाबांसों का सीना छलनी किया है उनसे चुन चुन कर बदला भी लिया जा रहा है। एक के बदले 10 मारने की कसम है। पुंछ हमले में कानपुर के करण सिंह यादव ने भी शहादत दी है। वो अगस्त में घर आए थे, पिता से कहा था कि अब फरवरी में आऊंगा मगर उनके आने से पहले ही शहादत की खबर आ गई। इससे उनके घर के साथ ही पूरे गांव में मातम पसर गया। शान को तो घुस करके जवाब देना चाहिए क्योंकि वो बार बार ये करता रहेगा और आज तक करता रहा है तो उसको इसका सीधा जवाब मिलना चाहिए। पुंछ के आतंकी हमले में उत्तराखंड के भी 2 वीर सपूतों ने कुर्बानी दी। 29 साल की उम्र में राइफलमैन गौतम कुमार ने शहादत दी। 30 सितंबर को ही गौतम की सगाई हुई थी और 11 मार्च को उनकी शादी होने वाली थी लेकिन उनकी शहादत की खबर से शादी की तैयारियों वाले घर में मातम पसर गया। 15वीं गढ़वाल राइफल में तैनात बीरेंद्र सिंह की शहादत भी देश नहीं भूल सकता। आतंकियों का मुकाबला करते कुर्बान होने वाले बीरेंद्र सिंह अपने परिवार में सबसे छोटे थे। बेटे की शहादत पर उनके पिता ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके बेटे ने देश के लिए जान दी है। दुखदाई है और कल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ रिलीफ उनको दिया है लेकिन रिलीफ से वो बेचारे वो तो वापस नहीं लाए जा सकते हैं लेकिन ये जो पड़ोसी मुल्क इस प्रकार की दहशतगर्दी यहाँ जम्मू कश्मीर में अभी भी उसने बंद नहीं की है ये कंडेमनेबल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजौरी आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी। मोली के नायक वीरेंद्र सिंह आतंकवादी हमले में शहीद हुए। बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी की हत्या के बाद आज शिवसेना ने जम्मू में प्रदर्शन किया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की साथ ही सरकार से अपील की कि पाकिस्तान पर एक बार फिर बालाकोट जैसा हमला कर उसे खत्म कर देना चाहिए। कि मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, ओवरग्राउंड वर्कर तो हैं काम करने वाले, ओवरग्राउंड पॉलिटिशियन भी है। वो पॉलिटिशियन जो कहते थे कि पाकिस्तान से बातचीत करो अब वो मस्जिद के अंदर जाकर के हमारे लोगों को मार रहा है। अब बातचीत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये कश्मीर की जनता फैसला करे। क्या डिमांड दूसरी बात क्या मांग है सरकार से? और वो जो लेडी तिरंगा झंडा उठाने वाले हाथ नहीं मिलेंगे अगर मुझे पता होता तो बुरहान वानी जिंदा होता। वो सीधा सीधा उग्रवादियों को समर्थन कर रही है और फिर जाकर के उनके घरों के अंदर जाकर के सहानुभूति ये डबल स्टैंडर्ड है। पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबाल मान रहा है। अनंतनाग और राजौरी में शहादत पर हर किसी की आंखें नम है। हमेशा की तरह पाकिस्तान अपनी करतूत से अनजान बना हुआ है और शहीदों के परिवार के साथ पूरा देश एक आवाज में चीख रहा है। बस बहुत हुआ, अब पाकिस्तान को आखिरी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। राजौरी पुंछ के इलाके में इस साल ही आतंकी भारतीय सेना पर 3 बार घात लगाकर हमला कर चुके हैं। 21 दिसंबर को हुए हमले में सेना ने 4 सैनिकों को खोया। इसी साल इससे पहले आतंकी पुंछ और राजौरी एरिया में 2 बार घात लगाकर हमला कर चुके हैं जिसमें 10 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए।